इस वीक कितनी सारी फिल्में रिलीज हुई है, कुछ डायरेक्ट बड़े पर्दे पे तो कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे। और ये ओटीटी रिलीज वाली फिल्में लेस प्रमोशन की वजह से या फिर किसी बड़े स्टार की फिल्म की वजह से अनरिकॉग्नाइज्ड रह गई हैं। और आज आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बताएंगे जो 24 मार्च को G5 पे रिलीज की गई और इस फिल्म का नाम है कंजूस मक्खी चूस। फिल्म के स्टार कास्ट में कुणाल खेमू, श्वेता त्रिपाठी, पीयूष मिश्रा, राजीव गुप्ता और हमारे लेट राजू श्रीवास्तव जी। फिल्म एक फैमिली कॉमेडी ड्रामा फिल्म है और इसमें जो कुणाल खेमू का कैरेक्टर वो सबसे बड़ा कंजूस मक्खी चूस है और इसका बस एक ही सपना है अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पे भेजना, जिसके लिए ये पैसे जमा कर रहा है। और एक दिन वो पैसे जमा करके अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पे भेज भी देता है, पर उसके बाद एक ट्रेजेडी हो जाती है। वो ट्रेजेडी क्या है जिसमें लोग हंसते हंसते उदास होने लगते हैं तो आपको फिल्म देखने पर ही पता चलेगा। पर धीरे धीरे उस ट्रेजेडी से भी लोग ओवरकम करते हैं और उस ट्रेजेडी में भी आपको कॉमेडी देखने को मिलेगी। फिल्म का स्टोरी, डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले, एक्टिंग सब कुछ अप टू द मार्क है। फिल्म को डायरेक्ट किया सबसे फेमस सीरियल बनाने वाले कभी सास भी कभी बहू भी थी के डायरेक्टर विपुल मेहता ने। इस फिल्म में लेट राजू श्रीवास्तव ने भी काम किया, जिनकी कॉमिक टाइमिंग कितनी अच्छी है वो तो हम सबको पता ही है। पूरी तरह से फैमिली के साथ देखने वाली फिल्म की कहानी आपको बहुत ही ज्यादा हंसाएगी और कहीं कहीं पे आपको इमोशनल भी करेगी। ऐसी अंडर रेटेड फिल्मों को सपोर्ट करना चाहिए और ऐसी अच्छी फिल्मों को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। तो आपने अभी तक कंजूस मक्खी चूस नहीं देखी है तो जरूर देखें G5 पे। और अगर देख चुके हैं तो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताओ। और ऐसे ही बॉलीवुड अपडेट और रिव्यूज के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।